पवई मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर चांदा घाटी में शनिवार का सुबह हृदय विदारक घटना घटित हुई है, जिसमें एक ट्रक ने लूना सवार दो लोगों को सामने से रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि मोहड़िया निवासी राम सिंह उम्र 60 वर्ष अपने नाती अंशुल यादव उम्र 16 वर्ष के बुखार का इलाज कराने अपनी लूना मोपेड में सवार होकर पवई आ रहे थे। तभी लगभग 9:30 बजे चांदा घाटी में पवई की ओर से तेज गति व लापरवाही पूर्वक ट्रक ने उन्हें सामने से कुचल दिया, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लूना में पीछे बैठे उनके नाती को पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका प्राथमिक उपचार पवई में किया गया, इसके बाद कटनी रेफर किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही एसटीओपी पवई थाना प्रभारी एसपी शुक्ला दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए पवई लाया गया। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस हृदय विदारक घटना से मोहड़िया क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। चांदा घाटी के पास एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक 16 वर्षीय बालक घायल हुआ है। जी जी, घायल होकर के जिसको प्राथमिक उपचार दे दिया है और जिला चिकित्सालय से रेफर कर दिया है। और परिजनों के अनुसार एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जैसी उसके लिए हमको पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम करें। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।